ऑल राइट, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि ऐसे कौन से साइन होते हैं कि जिनसे हम पता कर सकें लड़की हमें इंटरेस्टेड है या नहीं। क्योंकि गाइस कुछ गलत फहमियाँ हो जाती हैं कि लड़की अगर किसी से हंसकर बात कर ले या फ्रेंडली तरीके से बात कर ले तो हमें लगता है कि वो हमें इंटरेस्टेड है और हम जाकर सीधा प्रपोज कर देते हैं। तो उस टाइम होता क्या है, लड़की सीधे ये बोलती है कि मैं तुम्हें एक अच्छा फ्रेंड मानती हूँ और हमें फ्रेंड जोन कर देती है। और गाइस लड़कियों की एक प्रॉब्लम होती है कि वो डायरेक्ट किसी बंदे से नहीं बोलती हैं, चाहे वो उसे लाइक करती हों या नहीं। हाँ कुछ लड़कियाँ होती हैं जो कि बोल देती हैं जाकर, पर ज़्यादातर लड़कियाँ नहीं बोलती हैं ऐसा। हमारा क्या है, हमें जैसी कोई लड़की पसंद आती है हम डायरेक्ट जाकर उससे बोल देते हैं, पर लड़कियाँ ऐसे नहीं करती हैं। तो इसीलिए मैं आज आपको कुछ साइन बताने वाला हूँ, मेरे सीक्रेट, जिनसे मैं पता करता हूँ कि लड़की मुझे लाइक करती है या नहीं करती है। उसके लिए आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखते रहें। नंबर वन, अगर कोई लड़की आपको लाइक करती है, आपके साथ डेट करना चाहती है, तो वो इस तरह से बोलेगी कि ये मूवी लगी है, मैंने सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। पर उस टाइम पे अपन क्या गलती कर देते हैं, अपन बोल देते हैं कि हाँ मैंने देखी है, मुझे पसंद नहीं है। तो वो लड़की सीधा सीधा आपको साइन दे रही थी पर आपने समझा ही नहीं। तो इसकी जगह पर आपको बोलना ये है कि हाँ मैंने भी सुना है काफ़ी ज़्यादा अच्छी मूवी है, मैं भी देखने जाने की सोच रहा हूँ। अगर आप ऐसा बोलोगे तो शायद कुछ हो जाए। नंबर टू, वो आपसे पर्सनल क्वेश्चन पूछेगी, जैसे कि आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या पहले कोई गर्लफ्रेंड थी, आपकी फैमिली में कौन कौन है। अगर वो इतना सब आपसे पूछ रही है तो इसका मतलब यही है वो आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि गाइस लड़कियों के पास लड़कों की कमी नहीं होती है, अगर वो किसी बंदे में इंटरेस्टेड नहीं होगी ना तो वो इतना सब पूछेगी ही नहीं, अपना टाइम बर्बाद नहीं करेगी। और अगर आपसे वो पूछ रही है तो सीधी सी बात है वो आप में इंटरेस्टेड है। नंबर थ्री, अगर आप ये जानना चाहते हो कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, तो आप नेक्स्ट टाइम से ऐसा करना, आप अपने फ्रेंड्स के साथ में हो तो आप लोग हंस रहे हो, मतलब जोक मार रहे हो, तो आपको देखना ये है कि लड़की सबसे पहले किसकी तरफ देख रही है। क्योंकि भाई लड़कियों का सोचना ये होता है कि वो हंसते हुए उसी बंदे की तरफ देखना चाहेगी जिससे वो इंटरेस्टेड है, ऐसे किसी बंदे की तरफ नहीं देखेगी जिससे वो इंटरेस्टेड नहीं है, और उसमें उसी को देखेगी जिससे वो पूरी तरह से ट्रस्ट करती है। और अगर वो आपको देख रही है तो गाइस वो आपसे इंटरेस्टेड है। नंबर फोर है, लड़की आपको टच करे, मतलब जैसे कि आपने कोई ब्रेसलेट पहना हुआ है वो उसको टच कर रही है या फिर आपके बालों से खेल रही है, ये सब चीज़ें इंटरेस्ट शो कराती हैं। इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि ये साइन ऑफ इंटरेस्ट है। क्योंकि ऐसी कोई बंदी नहीं होगी कि वो ऐसे बंदे को टच करना पसंद करे कि जिसे वो पसंद नहीं करती है। और अगर वो आपको टच कर रही है तो उससे आपकी एक लेवल अट्रैक्शन बढ़ गया है, वो आपके साथ कंफर्टेबल रहती है, आपके ऊपर ट्रस्ट करती है, आपके साथ रहना चाहती है, उसको आपके साथ रहना अच्छा लगता है। नंबर फाइव सीक्रेट यह है कि जैसे कि आप क्लब में हैं तो वहाँ पर किसी लड़की से बात स्टार्ट हो गई है, फिर आपको पता करना है कि वो आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, तो आपको करना ये है कि उससे थोड़ी बात करनी है, उसके बाद बात बंद कर देनी है, मतलब कि बिज़ी हो जाना है या अपने फ़ोन में बिज़ी हो जाना या फिर किसी के साथ डांस करने लगें। फिर आपको उसी लड़की को देखना है कि वो आपको देख रही है या नहीं। अगर वो आपको देख रही है तो इससे साफ साफ दिखाई दे रहा है कि वो आप में इंटरेस्टेड है। क्योंकि इस वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नॉइस होगी, काफ़ी ज़्यादा रस हो रहा होगा, उसके बाद भी वो आपको ही देख रही है और आपका ही वेट कर रही है, तो सीधी सी बात है वो आप में इंटरेस्टेड है। नंबर सिक्स यह है, ये हमारी प्रॉब्लम है जो कि हम किसी से बात करते हैं ना तो इंटरव्यू की तरह बात करते हैं कि उसने कुछ पूछा अपन ने जवाब दे दिया, अपन ने कुछ पूछा उसने जवाब दे दिया। अगर आप इस सिचुएशन में हो तो आपको करना ये है कि आप दोनों की बात चल रही है तो आपको बात रोक देनी है, मतलब कि खुद से कोई बात नहीं करनी है। फिर आपको देखना ये है कि वो बात शुरू करती है या नहीं, अगर वो बात शुरू करती है तो वो आप में इंटरेस्टेड है। पर हम लोग ये कहाँ सोचते हैं, हम लोग तो यही सोचते हैं कि बात करते रहें, उसको बिजी रखें, तो अगर वो बात कर रही है मतलब नहीं भी कर रही है, हाँ या ना में जवाब दे रही है तो वो हमें इंटरेस्टेड है, अपन ऐसा सोच लेते हैं। ऐसा नहीं सोचना है, और अगर वो आप में इंटरेस्टेड नहीं होगी तो कोई ना कोई बहाना बनाकर चली जाएगी। नंबर सेवन यह है कि वो आपसे क्रॉस क्वेश्चन करती है या नहीं करती है। फॉर एग्जांपल कि आपने उससे बोला कि मैं अपनी फैमिली के साथ ना कुछ दिन पहले ताजमहल देखने गया था, अब उस टाइम पर वो क्या बोलती है कि अच्छा ठीक है, अगर उसने ऐसा बोला तो समझ लो कि वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। पर अगर वो कुछ ऐसा पूछती है कि अच्छा ताजमहल देखने गए थे, कौन कौन गया था, फैमिली के साथ गए थे, किससे गए थे, और तुमने मुझसे पूछा भी नहीं, अगर वो ऐसा कुछ बोलती है तो वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट ले रही है। नंबर एट, ये बहुत ही ज़्यादा IMP, अगर आप पता करना चाहते हैं कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है या नहीं है, अट्रैक्शन क्रिएट हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो मान लीजिए आप उससे हाथ मिला रहे हैं इस तरह से, अगर प्रॉपर हाथ मिल रहा है ऐसा तो सही है, और अगर आपका हाथ ऐसा है और उसका ऐसा है तो वो आप में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं है। एक एग्जांपल और देता हूँ, आप उसका हाथ ऐसे पकड़े हुए हैं इस तरह से, और अगर लड़की ने आपका हाथ ऐसे ऊपर तक रखा है तो सही है, और अगर उसने लूज छोड़ के रखा है तो अभी अट्रैक्शन क्रिएट नहीं हुआ है। नंबर नाइन यह है कि वो आपको ज़्यादा से ज़्यादा देखने की कोशिश करेगी, आपसे आई कॉन्टैक्ट करने की कोशिश करेगी, तो आपको इस सिचुएशन में पता करना है कि वो आपसे इंटरेस्टेड है या नहीं, तो आपको करना यह है कि अपनी पोजिशन चेंज कर लेनी है।
ऐसी पोजीशन ले लें कि जहाँ से वो आपको ना देख पाए। फिर अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगी तो ज़रूर ऐसी जगह आने की कोशिश करेगी कि जहाँ से वो आपको देख पाए। नंबर 10 यह है कि अगर वो आप में इंटरेस्टेड होगी तो वह जेलस फील करेगी, मतलब कि जैसे आप किसी लड़की से बात कर रहे हैं या फिर उससे फ्लर्ट कर रहे हैं तो वह जेलस होगी, या फिर कोई लड़की आपसे फ्लर्ट कर रही है तो वह जेलस होगी। इसका मतलब यह है कि वो आप में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टेड है और वो नहीं चाहती कि आप किसी लड़की से बात करो या फिर कोई लड़की आपसे बात करें, वो सिर्फ यही चाहती है कि आप उससे बात करो और उसके अलावा किसी और से बात ना करो। ऑल राइट, तो ये 10 सीक्रेट थे मेरे साइन ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर। अगर आप इन्हें फॉलो करते हैं तो आपकी इतनी फ्रेंड में से कोई ना कोई गर्लफ्रेंड तो जरूर बन ही जाएगी। और अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर भी जरूर करें।